असलम एवरी एवरीवन एक और नई रेसिपी के साथ हाज़िर आएंगे यस दिस इज़ बारबेक्यू चिकन रैप्स इतने माउथ मेल्टिंग है ना अगर ये आपने रेसिपी जाननी है तो फुल वॉच करिएगा यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड डिश एट योर टेबल फिर इसके लिए सबसे पहले आपने ऐसे करना है आपने बोनलेस चिकन ले लेना है तीन सौ ग्राम के करीब और अच्छा सा इस पर गार्लिक फ्रेश फ्रेश था आप इसको इसमें डाल दें और आपने नमक ये सारे मसाले जो हैं दैट इज़ रिटर्न आपने ले लेने नमक लाल मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर आपने हॉट सॉस भी इसमें चिली सॉस जो होती है वो भी ऐड करनी है और उसको जो ही आप इन सारी सीजनिंग्स को आप ऐड करेंगे ब्लैक uh, पेपर भी डालना है थोड़ा सा आप लीमू इस पर स्क्वीज़ कर दें एक दरमियाने साइज़ का लीम आप इस पर निचोड़ दें ताकि एक अच्छा साइज़ का टेस्ट इन्हेंस हो जाए इसको मिक्स करके आपने क्लिंग करके या प्लेट वगैरह रख के इसको कवर करके आपने फ्रिज में रख देना है एक घंटे के लिए अब साथ में इसका जो वेजिटेबल्स uh, हैं जो इसमें डाली जाती हैं आपने तैयार करनी है क्यों और अनियन को बहुत अच्छा पतला सा काट के उनको दबा के उनका पानी निकाल लें और साथ में ही आपने ये सलाद के पत्ते और टमाटर भी काट लेने आप इसके ऊपर पर आपने क्या करना है आप विनेगर डालेंगे एक पिकल्ड अचारी सा एक ये इन सारी सब्जियों का टेस्ट आएगा आपने काली मिर्च नमक अपने हिसाब का आपने डाल लेना थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल लेना इसको मिक्स अच्छे से करके इसको भी कवर करके फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें अच्छा अब आपने ऐसे करना है कि आपने एक डिप बनानी है एक सॉस बनानी है इसके लिए आपने गार्लिक मायो डाला मस्टर्ड पाउडर डाला है वो नहीं है तो मस्टर्ड पेस्ट डाल दें नमक डाल के इस हॉट सॉस डाल के मिक्स करके इसको आप यूज़ करेंगे डरिंग रैप मेकिंग अच्छा उसको भी आपने साइड पे रख दिया अब ये जो आपका मैरिनेटेड चिकन था इसको मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छे से पकाना है कवर करके थोड़ा सा पका दें अब आप इसको आपने कोयला गर्म करके उसके ऊपर थोड़े से ड्रॉप्स ऑयल के डालें धुआं निकलेगा उसे बंद करके उसे थोड़ी देर के लिए एक दो मिनट के लिए आप ऐसे रखें और उसे अच्छा सा आप एक स्मोक दे दें चिकन आपका स्मोकी हो जाएगा काउंटर जिस पे आपने रैप्स बनाने हैं उसको धो के अच्छा सा आप किचन टॉवल से अच्छे से साफ कर लें अब मैंने छोटे रैप्स लिए हैं आप बड़े भी ले सकते हैं ठीक है ताकि मैं अपने बच्चे छोटे बच्चे वेस्ट भी नहीं करते इजीली खा लेते हैं लंच बॉक्सेस में भी ले जाते हैं सो आपने अच्छे से पहले डिप की एक लेयर लगाई फिर कैचअ फिर आपने वेजिटेबल्स जो की हुई थी वो रखी चिकन के बाद थोड़ी सी और डिप लगाई इसको इस तरह से जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ ना आपने भी बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही फोल्ड करना है। फिर तवे पे या ग्रिल पैन पे आपने इसको अच्छे से सेक से लिया और आप इसको कैचअप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं मुझे तो कैचअप के बगैर ही बहुत अच्छा क्रीमी सा इसका टेक्स्चर लग रहा था आपने इसको जरूर ट्राई करना है कीप स्माइलिंग